राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निर्मित प्रस्तुत है कक्षा एक के छात्रों के लिए कार्यक्रम दादाजी भाग आठ। शेर जंग गर्ग द्वारा लिखित इस आलेख को प्रस्तुत कर रहे हैं अजीत गुप्ता। दोस्तों जय हिंद। और अब लगता है कि दादाजी एक नई कहानी सुनाने वाले हैं, तो जरा सुनो दादाजी आज क्या कहते हैं। अच्छी 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 दादाजी, राम 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 राम। प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, राम राम। दादाजी कल आप बाजार से बहुत बड़ी बड़ी चीजें लाए होंगे। अरे नहीं भाई नहीं, बस जरा जुकाम की दवाई खरीद लाए और अपने घोड़े के लिए दाना ले आए। दादाजी कभी आपने शेर और हाथी पाले हैं? अच्छी। अरे भाई हाथी और शेर पालना खेल नहीं है, लेकिन क्या कभी तुमने हाथी और शेर देखे हैं? हाँ दादाजी देखे हैं। हैं? क्या कहा, तुमने शेर भी देखा है और हाथी भी? हाँ दादाजी, ये दोनों तो मेरी किताब में है। अच्छी दाद तेरे की। अरे क्या सचमुच का हाथी देखा है? क्या सचमुच का शेर भी देखा है? नहीं दादाजी। अरे अगर शेर की दहाड़ सुनोगे तो बस डर ही जाओगे। पूछो क्यों? क्यों? अरे तो इसमें पूछने की क्या बात है, शेर होता ही इतना भयंकर है। दादाजी हाथी? अरे हाथी की क्या पूछते हो बच्चों, हाथी जब गुस्से में होता है तो इतनी जोर से चीं चीं कर चिंघारता है कि सारे जंगल में उथल पुथल मच जाती है। दादाजी हाथी बहुत बड़ा होता है ना? नन्हे मुन्ने बच्चों, हाथी और शेर ये दोनों ही अपनी अपनी जगह बड़े होते हैं। प्यारे बच्चों, एक बार एक जंगल में एक हाथी और एक शेर की मुलाकात हो गई। अब दोनों लगे अपनी अपनी तारीफ करने। हाथी को ये घमंड कि वो धरती पर चलने वाला सबसे बड़ा पशु है, इसलिए जंगल का राजा मैं बनूंगा। और वो जोर जोर से चीं चीं कर चिंघाड़ने लगा। और उधर शेर कहता, अरे जा जा हाथी, तू कितना ही बड़ा क्यों ना हो, तुझे तो एक चींटी भी पछाड़ देती है। छोटी चींटी बड़ा है हाथी, छोटी चींटी बड़ा है हाथी, चींग चींग चिंघाड़े हाथी, चींग चींग चिंघाड़े हाथी। बोलो बच्चों, तुम भी बोलो, छोटी चींटी बड़ा है हाथी, चींग चींग चिंघाड़े हाथी। हाँ शाबाश, क्या चिंघाड़े हो दादाजी? फिर क्या हुआ, चीट कहने लगा मैं हूँ जंगल का राजा? हाँ यही तो हुआ, पूछो क्यों? क्यों? अरे तो इसमें पूछने की क्या बात है। इधर हाथी चिंघाड़ चिंघाड़ कर कहता,
मैं बड़ा हूँ, और उधर शेर दहाड़ दहाड़ कर बोलता, मैं हूँ जंगल का राजा। इसी तरह दोनों झगड़ते रहे, कभी हाथी चिंघाड़ता तो कभी शेर दहाड़ता। हाथी क्या करता बोलो बच्चों? चिंघाड़ता। हाँ, और शेर क्या करता? दहाड़ता। हाँ, शाबाश। हाँ तो बच्चों, जब हाथी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ, मैं बनूंगा जंगल का राजा, तो दहाड़ते हुए शेर बोला, अरे जा काले कलूटे हाथी, तेरी ये मजाल, तू जंगल का राजा बने, मुझ जैसे खूबसूरत बहादुर जानवर से बड़ा बनता है। अरे ठीक है, तेरा शरीर बड़ा है, मगर बड़े शरीर से ये तो नहीं कि तू जंगल का राजा ही बन जाए। तो नन्हे मुन्ने बच्चों, हाथी को देखकर शेर फिर जोर जोर से दहाड़ने लगा। उसकी दहाड़ से जंगल का पत्ता पत्ता कांपने लगा। शेर दहाड़ा जितनी बार, कांपा जंगल उतनी बार, कांपा जंगल उतनी बार। अरे प्यारे बच्चों, तुम भी शेर की तरह दहाड़ कर बोलो मेरे साथ साथ, बोलो, शेर दहाड़ा जितनी बार, कांपा जंगल उतनी बार। तो दादाजी, हाथी को भी गुस्सा आया? क्यों नहीं, हाथी को भला गुस्सा क्यों नहीं आता? हाथी और शेर दोनों ही अपने आप को एक दूसरे से बड़ा और बहादुर जो समझ रहे थे, दोनों ने ही एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहा। इसलिए इधर तो हाथी चीं चीं चिंघाड़कर शेर को डराना चाहता था, और उधर शेर था जो अपने सामने हाथी को बहुत ही मामूली सा समझकर दहाड़ने लगा। तो फिर क्या हुआ दादाजी? अरे होना क्या था, शेर से इतनी तू तू मैं मैं के बाद भी हाथी ने अपने आप को संभाल कर रखा, मस्ती में घूमता रहा। उधर शेर उछल उछल कर गुर्रा गुर्रा कर दहाड़ता रहा। तो दादाजी, हाथी को गुस्सा कम आता है? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है बच्चों, जब हाथी को गुस्सा आता है तो वो इतनी तेजी से दौड़ता हुआ भागता है कि बहुत से पशु तो उसके पैरों के नीचे आकर ही दब जाते हैं। पूछो क्यों? अरे इसमें पूछने की क्या बात है, हाथी के पांव बहुत बड़े बड़े होते हैं, गुस्से में हाथी बड़े बड़े पेड़ उखाड़ फेंकता है, मगर जब हाथी शांत होता है तो बहुत खुश होता है। तो फिर हाथी और शेर का क्या हुआ दादाजी? अरे होना क्या था, हाथी लगा चिंघाड़ने, शेर लगा दहाड़ने, जंगल का पेड़ थर थर, पक्षी उड़ते फर फर। अरे भाई नन्हे मुन्ने बच्चों, देखो इधर वाले जो आधे बच्चे हैं वो हाथी की तरह चिंघाड़ कर बोले, और इधर वाले जो बच्चे हैं वो शेर की तरह दहाड़ कर बोले, मगर बोले दोनों एक साथ मिलकर तो बोलो, हाथी लगा चिंघाड़ में, शेर लगा दहाड़ में, जंगल कांपे थर थर थर।
फर फर फर। मगर नन्हे मुन्ने बच्चों, इन दोनों का झगड़ा हमारा चुगलखोर तोता एक पेड़ की डाल पर बैठा देख रहा था। हाथी को जोर जोर से चिंघाड़ते हुए और शेर को दहाड़ते हुए देखकर मिट्ठू मियां टैं टैं करके जोर जोर से हंसने लगा। जब शेर और हाथी ने तोते को यूं हंसते हुए देखा तो शेर दहाड़ा। अच्छा नन्हे से तोते, तू हम पर हंसता है, इधर आ अभी तुझे बताऊं। उधर हाथी भी चिंघाड़ा, क्यों रे मिट्ठू मियां, तें तें बोलने वाले, तू हमारी हंसी उड़ाता है, इधर आ तू, मैं तेरी गर्दन मरोड़कर अभी तेरी तें बुलवाता हूँ। हाथी चिंघाड़े, हाथी चिंघाड़े, शेर दहाड़े, शेर दहाड़े, मिट्ठू मियां गाए रे, मिट्ठू मियां गाए रे। मेरे प्यारे छोटे छोटे मिट्ठुओं, तुम भी तो गाओ। हाथी चिंघाड़े, शेर दहाड़े, मिट्ठू मियां गाए रे। प्यारे बच्चों, अब हाथी और शेर अपनी अपनी लड़ाई तो भूल गए और दोनों मिलकर तोते से लगे लड़ने। तो तोता टें टें करके फुर्र से उड़ गया। देखा हमारा तोता कितना अच्छा है, अरे वो लड़ाई भी करवाता है और मिलवाता भी है। और वो मुझे बुलाता भी है, तो आ गया अपना तोता मुझे बुलाने। अच्छा प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, अब मैं चला। राम राम। राम राम दादाजी। राम राम दादाजी, कल फिर मिलेंगे। अरे राम राम। राम राम दादाजी। अरे राम राम दादाजी। राम राम। वाह दोस्तों, आज दादाजी ने बताया हाथी और शेर के बारे में। बाप रे, ये दोनों ही कितने बड़े जानवर होते हैं। खैर कोई बात नहीं, पोपटलाल भी कम नहीं है। कल फिर दादाजी से कहेगा कि कुछ अच्छे जानवरों के बारे में बताओ। अब जरा जोर से कहो, जय हिंद।